हिस्ट्री के समंदर की गहराइयों से ढूंढ निकालूंगा मैं कुछ अनोखे पहलू, जो अब तक बने हुए थे अनसुलझे सवाल, अब मिलेगा सबका जवाब। पास्ट की झलक प्रेजेंट में, कुछ नया होगा रिवील हर मोमेंट में। बात होगी एंशिएंट साइंस की, आर्किटेक्ट के लॉजिक की, कुछ हस्तियों की और इतिहास में दफन हर अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की। ओनली ऑन हिस्ट्री हंटर। आज के एपिसोड में पता लगाएंगे कहां खो गई भारत के इतिहास की सबसे महान नदी। आप इंडिया की हिस्ट्री को जानते हैं? पास्ट में जो भी हुआ उसे सच मानते हैं? कई अनसुलझे राज उन्हें झूठ मानते हैं? क्या आप रियल इंडिया को पहचानते हैं? इफ नॉट तो फिगर नॉट, एमपीज हियर। मैंने ढूंढे हैं कुछ अनोखे फैक्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ ऐसे सबूत जो लाएंगे सच को आपके सामने और देंगे आपको हमारी हिस्ट्री की क्लियर पिक्चर। इन हिस्ट्री हंटर विद मी मनीष पॉल। एक नदी जिसे वेदों में सबसे महान कहा गया। इफ यू लुक एट द ऋग वेदा, देयर आर मेंशंस ऑफ सरस्वती अबाउट 60 टाइम्स। ऋग्वेदा डिस्क्राइब्स दैट हर वेव्स वर सो हाई दे वर लुकिंग लाइक पीक्स ऑफ माउंटेंस। जिस नदी के किनारे लड़ा गया महाभारत का युद्ध, आज उस नदी का नामो निशान नहीं है, बस दिखते हैं तो सिर्फ उसके स्केलेटन्स। These multiple paleo channels was the major findings to recognize the paleo course of Saraswati River. लेकिन कुछ कहते हैं ये आज भी गुप्त तरीके से बहती है। Saraswati River is still flowing, can be seen in a place called Bhimpula. आखिर कैसे सूखी सरस्वती नदी? We have got some of the information, but we are yet to go further. कैसे मिटा वजूद भारत के इतिहास की सबसे महान नदी का? दिस कैनॉट हैपन अनलेस देयर इज ए कैटास्ट्रोफिक ग्लोबल फेनोमेना व्हिच ट्रिगर्ड सच ए कोलैप्स। भारत, वेदों में भारत को सप्त सिंधु कहा जाता है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। लेकिन एक नदी जिसका जिक्र वैदिक टेक्स्ट में तो है पर आज वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो है सरस्वती। आखिर कहां गई ये महानदी? सूख गई या इसने अपना रुख बदल लिया? कुछ कहते हैं ये आज भी बहती है अंडरग्राउंड गुप्त तरीके से। क्या है सरस्वती का सच? ये सवाल आज भी कई एक्सपर्ट्स, जियोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स को परेशान करता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डोंट फियर व्हेन एमपी इज हियर। लेट्स बिगिन सरस्वती की खोज ओनली ऑन हिस्ट्री हंटर। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, जहां हर 12 साल में दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, महाकुंभ मेला। प्रयाग मतलब दो नदियों का मिलन यानी संगम, और प्रयागराज में है गंगा और यमुना का संगम। इस वक्त मैं हूं गंगा किनारे और कहते हैं प्रयागराज में इस गंगा यमुना के संगम एक तीसरी नदी भी मिलती है, एक अदृश्य नदी, एक ऐसी नदी जो अंडरग्राउंड बहते हुए उस संगम में मिलती है। कौन सी नदी है? द गंगा स्तोत्र एंड सरस्वती स्तोत्र बाय The famous renowned philosopher Shankaracharya quotes the term Prayagraj, that means there was a confluence of rivers which is a very holy place. The Saraswati as a revered river, sacred river, is so much in our religious and cultural psyche that people started naming various rivers as Saraswati in different parts of India. As of now,
there is no evidence of any river flowing in the Prayagraj, nor there is any scientific evidence. Even in the ancient times, it should come down Himalaya and then have a sharp bend to east. Saraswati is a river that was coming down from Himalaya and flowing slightly westward, following a near parallel to Indus channel, and was then flowing to the northern fringes of Pran and debouching into the extended Kodi Creek. Himalaya se nikalkar east mein ja rahi thi, phir west mein jaati thi. Yaar, ye east west ke chakkar mein mera north south na ho jaye. लेकिन मैंने ये सुना है वेदों और महाभारत में भी सरस्वती के बारे में यही कहा गया है। कहते हैं भगवान परशुराम ने धरती से अत्याचारियों का जब नाश किया, उसके बाद उन्होंने भी पवित्र सरस्वती नदी में ही स्नान किया था। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध भी सरस्वती के किनारे ही लड़ा गया था। और फिर युद्ध जीत कर जब पांडव स्वर्ग के लिए निकलते हैं, तब भी उनका सामना होता है माइटी सरस्वती रिवर से। सो भीमा मेक्स अ रिक्वेस्ट टू सरस्वती टू मेक वे, बट सरस्वती डज नॉट ओब्लाइज। सो भीमा थ्रोस ए बिग ब्लॉक ऑफ स्टोन ऑन द रिवर एंड द्रौपदी क्रॉसेस ऑन दैट स्टोन ब्रिज। बात करें ऋग्वेद की, तो उसमें भी सरस्वती को तीन अलग अलग रूप में मेंशन किया गया है। The very first mandala of Rigveda 1.3 mentioned her both as a physical river and a personality of illuminator. Saraswati is mentioned as a bright and mighty river. Then she was a monsoon-fed river. She flowed very forcefully. She is called Ritavari. जिस नदी के इतिहास में इतने निशान मिलते हैं, वो भारत की इस पवित्र धरती से ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं? इंडस, ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम जैसी नदियां आज भी मौजूद हैं। तो महान सरस्वती क्यों नहीं बच पाई? सब पता करें, पर पहले समझते हैं एज पर साइंटिफिक रिसर्च वैदिक सरस्वती नदी का रूट कैसा था। इन 1893 ओल्डहैम, who was a geologist from Geological Survey of India, published a paper where he defined for the first time the course of River Saraswati. And what did he define? He defined precisely the Nara, Hakra, Ghaggar river channel, which was the course of the Saraswati. All the scientific evidence coupled with the archaeological evidence suggests Saraswati was actually flowing west of the Thar Desert from the Ghaggar Hakra through Hakra Nara and eventually debouching into the Run of Kutch. Regarding Saraswati, when we discuss, these paleo channels of the river are mostly buried across the Thar Desert and the alluvial plains of Punjab and Haryana. Paleo means past, channel is river channel. So paleo channels simply means past river channels. We really can't see them from the surface. But, my question is, माना एक बड़ी नदी का skeleton मिला, I mean paleo channel मिला, लेकिन क्या ये route वाकई सरस्वती का ही था? और ये भी तो हो सकता है कि कोई और नदी हो? और अगर ये सरस्वती थी, तो ये गायब कहाँ हो गई? All these Harappan civilization settlements, they have grown along the river banks. Because these settlements were essentially agrarian societies, so they needed floodplains for agriculture. What you see today in the present-day Haryana, through Rajasthan, into up to the Run of Kutch, they were also grown along the river bank of the buried channel of the Saraswati. And these settlements are far more in number than was considered earlier. So therefore, many archaeologists and Indologists are inclined to tell this civilization as Indus Saraswati civilization rather than only Indus Valley civilization. वेदों में ये mention है, इस महान नदी के आसपास जो सभ्यताएं थीं, वो इससे कैसे effect हो रही थीं? Rigveda describes that her waves were so high, like they were looking like peaks of mountains. And then she disturbed the habitation in the sea. The habitation is described in X-like marker, that is
four roads meet. It is called Chatushpata in Veda. Chatushpata means where the civilization existed and where the four roads meet. And the waves flowed that high, that forcefully on Chatushpata, and the habitation got destroyed. तो इंडस सील भी इशारा कर रही है एक बड़ी वेव वाली नदी की तरफ, और ऋग्वेद में सरस्वती को शांति से बहने की रिक्वेस्ट करने वाले सूक्त हैं। लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया की सिविलाइजेशन जिस नदी के किनारे बसती थी, मुझे उसके सबूत ढूंढने। क्या वो वाकई हिमालय से निकलने वाली सरस्वती थी? और अगर ये सरस्वती थी तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये 4-5 हजार साल पुरानी नदी। A consortium of scientists from United States, UK and some other countries had actually tried to probe the course of the ancient river Saraswati. What they did, they started drilling along the paleo channels which are buried today from Pakistan through India. The most surprising thing they discovered is that these paleo channel has remnants of glacial bone sediments. That means these paleo channels were receiving waters from the glaciated higher Himalayas. In scientists ne paya glacier se pani lene wali ye mighty river jo 5000 saal pehle se yahan beh rahi thi wo aaj se kareeb 3000 saal pehle tak behti rahi, lekin uske baad wo puri tarah se sook gayi. To aage hua yun, scientists ne river channels mein maujood sand grains ki dating ki. Usne bhi इन रिवर चैनल्स को 5000 साल पहले से जोड़ा। तो दिस वाज वन ऑफ द वेरी सॉलिड एविडेंस व्हिच सजेस्ट दैट द रिवर वाज रियली रियली एक्टिव एंड प्रेजेंट ड्यूरिंग द हरप्पन टाइम। इनफैक्ट दिस वाज ए पाथ ब्रेकिंग फाइंडिंग ऑफ दिस कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट की ये जो पाथ ब्रेकिंग फाइंडिंग है, ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकती थी अगर वो मुझे अपनी टीम में ले लेते। एक्चुअली उन्होंने मुझे कॉल किया था, पर मैंने अपना फोन नंबर चेंज कर लिया ना मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाए। बट अब डिस्कवरी का कॉल आया तो अब मैं काम पे लग गया। देखिए, अब ये तो पता चल गया कि ये माइटी रिवर हरप्पन टाइम के दौरान की ही है। वेल, मतलब उस सिविलाइजेशन के लोगों की जिंदगी पर भी इस विशाल नदी का इंपैक्ट रहा हो। इसके लिए हम पहुंचे वन ऑफ हरप्पन्स मोस्ट मैग्निफिसेंट सिटीज, धोलावीरा। Dholavira was built around the river Manhar and Mansar. If you go to the Pakistan, they were built along the Indus Valley civilization. And if you come to the Indian part, the Nara, Hakra, Ghaggar Hakra, Saraswati river channel, on either side of these, you will find enormous number of settlements. Likewise, many of the Mesopotamia's artifacts are also found in Dholavira and many other Harappan settlements. So that only indicates that there was a very strong trade and material exchanges between these cities. And that could only happen if there was a definitive trade route, for example, the river routes. तो क्या ये रिवर सरस्वती थी जो धोलावीरा को हरप्पा और मोहनजोदारो और दूसरे सिविलाइजेशन से कनेक्ट करती थी? धोलावीरा के अलावा एक्सपर्ट्स को इस माइटी रिवर बैंक्स की कुछ और साइट्स पे और भी इंटरेस्टिंग सबूत मिले, जैसे राजस्थान के अनूपगढ़ में। सो वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर फर्दर एविडेंसेस। दिस टुक अस टू द डिस्ट्रिक्ट टाउन ऑफ हनुमानगढ़, द टाउनशिप ऑफ अनूपगढ़ एंड ऑल दीज प्लेसेस व्हिच इज सिचुएटेड on the bank of the present the Ghaggar and the paleo channels associated with it. We found that wherever there are bore wells, wherever there are dug wells and people dug probably for 10 meter, you will keep on finding beautiful, fine, greyish, micaceous sand which cannot be part of the present day Ghaggar system. One minute. घग्गर सिस्टम ही उस एंशियंट माइटी रिवर का चैनल है, तो फिर तो हमें और सबूत नहीं चाहिए ना। फिर तो प्रॉब्लम हेंस प्रूव्ड हो जाती है, राइट? यही सरस्वती है। सो घग्गर इज अ रेनफेड रिवर, इट कैरीज क्ले, सो इट रियली कांट कैरी दिस काइंड ऑफ सैंड्स। सो बारी 10 मीटर बिलो द घग्गर मड इज अ थिक डिपोजिशन ऑफ व्हाइट ग्रेश माइकाशियस sand. How old these sands are?
The youngest age we found for this sand was around 4,500 years. So we tried doing geochemical analysis of this sand, and what was surprising and remarkable is that the river which carried this sand up to the Hanumangarh and Anupgarh was flowing or had sources in up higher Himalayas. Wow man, Hanumangarh aur Anupgarh ki finding se ye to pata chal gaya ki ye river Himalayan fed thi. Aise hi kuch aur saboot mile hain Gujarat mein, Dholavira site. Looking in the early layers of the Dholavira, different kind of shells we found. We found some freshwater bivalves or freshwater shells, and we also found some mangrove shells in the Dholavira. Those are estuarine mangrove shells. Now the first thing, what was very interesting, that how would we get freshwater shells, mangrove shells in this area? Because only mangroves that could be found near this region is 100 kilometers away near the fringes of Kori Creek. Interestingly, another thing, these shells show typical human cut features, which were probably used to extract the meat. So it was used as a food purpose. So no one will go such a large distance just to collect this food. So probably mangroves were near Dholavira. When we brought these shells into lab, we did some oxygen isotopic investigations on it. And we found that the oxygen isotopic composition of the river that was coming is very distinct. It is not like a monsoon water, it is rather like Indus, which is actually a glacial fed river. पहले राजस्थान में हनुमानगढ़, फिर गुजरात में धोलावीरा, तो इस माइटी रिवर के बैंक्स पर हमें ऐसे सबूत मिल रहे थे जिससे साबित हो रहा था ये नदी हिमालयन ग्लेशियर से ही आ रही, और शायद यही सरस्वती थी। इनफैक्ट इसरो की रिसर्च में भी ऑप्टिकल सैटेलाइट डेटा और माइक्रोवेव डेटा से जो पेलियो चैनल्स के रूट देखे गए वो कई हिस्टोरिकल मैप से मिलते हैं, और हम देखें तो सालों पहले के कुछ मैप्स भी सरस्वती नदी के यही रूट दिखाते हैं। आखिर कैसे भारत के मैप से हमारे इतिहास की सबसे महान नदी गायब हो गई? क्या इसका लिंक किसी सिविलाइजेशन के कोलैप्स होने से था? धोलावीरा कोलैप्स्ड समवेयर अराउंड 4000 इयर्स बिफोर प्रेजेंट, एंड व्हेन वी वर डूइंग आवर रिसर्च, it was very fascinating for us to see that it was not only Dholavira which collapsed, but all other contemporary settlements like Junikuran, Tuntasi, Harappa, Mohenjo-daro, the Kalibangan, Mesopotamian civilization, the Egyptian civilizations, all of them collapsed exactly at the same time. Now this cannot happen unless there is a catastrophic global phenomena which triggered such a collapse. आखिर नेचर ने ऐसा क्या कहर बरपाया कि इन सिविलाइजेशंस के साथ साथ अपनी सबसे पावरफुल नदी का भी नामोनिशान मिटा दिया? 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, सरस्वती इज डिस्क्राइब्ड टोटली एज गॉडेस ऑफ नॉलेज. शी वाज फ्लोइंग बिफोर, शी इज नॉट टू बी सीन नाउ. शी वाज विद फुल ऑफ वेव्स, शी इज नाउ नॉट विदाउट एनी साउंड, दैट मींस शी इज नॉट फ्लोइंग. ऑल द साइंटिफिक डेटा सजेस्ट दैट देयर हैव बीन अ मेजर ड्राउट which affected definitely tropics and the subtropics, but even beyond, probably a global phenomena, which is known as Meghalayan drought. This Meghalayan drought wiped out the civilizations across, as I said, Suez and Dholavira. All the river channels like the Narahakra Saraswati river channels dried, and the cultivation or the agricultural practices had to be ceased. तो आखिरकार सारे dots जुड़ते हैं Meghalayan drought की तरफ। ये एक area या region में नहीं पड़ा था। महीने दो महीने का drought नहीं था। ये 200 साल तक रहा, और इसने पूरी दुनिया से सभी civilization का नामों निशान मिटा दिया था। और कहते हैं उस दौर के बाद से ही Meghalayan युग शुरू हो गया, और आज भी हम उसी युग में जी रहे हैं। The Meghalayan name comes from its type section or where this drought has been very well recorded from a site that is in Meghalaya, a Mamluk cave site. And this extreme global drought
might be one of the main culprit behind the loss of water in Saraswati or the drying up of Saraswati. कई ग्राउंड डेटा के बेसिस पर सरस्वती का रूट वैलिडेट किया गया, जो हायर हिमालय से निकलकर वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाती थी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और फाइनली गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आके गिरती थी। आज के इंडस रिवर सिस्टम की ही तरह वैदिक सरस्वती रिवर का एक रिवर सिस्टम था, जो करीब 6000 BC तक अच्छी खासी बह रही थी, पर धीरे धीरे वो सूखने लगी और अराउंड 2000 BC में ग्लोबल ड्राउट की वजह से वो पूरी तरह सूख गई। एक महान नदी जिसने हमारे एंसेस्टर्स का जीवन आसान बनाया, जिसे वो देवी मानते थे, जिसने सदियों तक सभ्यताओं को जिंदा रखा, वो सरस्वती नदी भले ही आज फिजिकली नहीं दिखती, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में वो नॉलेज और विजडम बन के बह रही है। जल्दी मिलूंगा हिस्ट्री की एक और मिस्ट्री सुलझाने।